नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। पोस्ट कोड 592 के लिए ये एग्जामिनेशन था। तो आज हम जो है 120 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, देखिए OSI मॉडल में जो है हमारी 7 लेयरें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर आती है आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है। ऐसे करके जो है आपकी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एंड में आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ऐसे करके जो है आपने OSI मॉडल याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म इसमें से कौन सी नहीं है, तो जो आपकी कीबोर्ड है ये इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। लिंक भी आपको इंटरनेट में देखने को मिलेगा, ब्राउजर और सर्च इंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय, तो WWW किसने इन्वेंट किया था। तो देखिए टिम, टॉम, टाइक, टूम, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन टिम बर्नियर्स-ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स, तो सर्वर के द्वारा इनमें से कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग जो है एमएस वर्ड में आपको होता है। एमएस वर्ड जो है एक पार्ट है एमएस ऑफिस पैकेज का, ठीक है। लेकिन सर्वर, बाकी ईमेल भी सर्वर यूज होता है स्टोरेज में और डेटा शेयरिंग में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 5th पे। व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल, देखिए हम इसे बोलते हैं स्पैम, स्पैम भी बोला जाता है। कुछ ईमेल होती है फ्रॉड टाइप की, वो आपके स्पैम फोल्डर में देखने को मिलती हैं। आप अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं या कोई भी ईमेल जो है सर्वर यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा ही होगा। चलिए अब 6th पे चलते हैं। विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ द टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स, तो टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड जो है फुल डुप्लेक्स है इनमें से। तो ये 6th का इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, लाइन मोड, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जिसमें सेंडर्स और रिसीवर साइमल्टेनियसली जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस, तो इनमें से किसका जो है HTML पेजेस का पार्ट नहीं है। तो 7th का राइट आंसर है नॉर्मल, डायनेमिक, स्टैटिक और डायरेक्टरी लिस्टिंग जो है HTML पेजेस का एक पार्ट रहता है, ठीक है। चलो कोडरेड क्या है, तो कोडरेड जो है आपका वॉर्म होता है, ठीक है। वॉर्म भी एक कंप्यूटर टाइप का वायरस रहता है, ये अपनी कॉपीज जो है बनाता जाता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो कोडरेड एक वॉर्म का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, तो पासवर्ड स्टीलिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है स्पूफिंग, ठीक है। तो स्पूफिंग चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं स्टीलिंग पासवर्ड के लिए, पासवर्ड चुराने के लिए। 10th पे चलते हैं। लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ, तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कौन से गेट में यहाँ पे यूज़ होती है आपने ये बताना है। तो 10th का इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में जो है मल्टीप्लीकेशन रेफरिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं 11th पे। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड क्या बोला जाता है, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड होता है एनक्रिप्शन। एक होता है एनक्रिप्शन, दूसरा होता है डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन जो है डेटा को सिक्योर करने के लिए किया जाता है और डिक्रिप्ट किया जाता है अगर हमें उसे सिक्योर डाटा को रीड करना है, तो हमें पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। चलिए 12th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर, तो निम्न में से कौन सी सर्किट सीरियल डेटा कन्वर्टर के समांतर उपयोग की जा सकती है। तो 12th का आपका आंसर होगा सी, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर को हम यहाँ पे पैरेलल सीरियल बस की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डेटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड, तो डेटा को स्पेशल कोड में और टेम्पोरल कोड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर्स आपके यूज़ होंगे। तो 13 का ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखना स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब 14 पे चलते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू, तो कंपाइलर क्या करता है सोर्स कोड को, सोर्स कोड को ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा बोथ, क्योंकि बाइनरी भी यहाँ पे ऑप्शन में राइट है और मशीन कोड भी हम इसे बोल सकते हैं। 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म बाय द पार्सर, तो पार्सर के द्वारा कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट, ये तीनों के तीनों जो है फंक्शन यूज किए जाते हैं। तो इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब 16 पे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, तो मैनेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का किस पे डिपेंड करता है।
तो ये तीनों के ट्रिपल पी याद रखना, थ्री पी पे डिपेंड करता है, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस पे। तो ऑल ऑफ दीज इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 पे चलते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। तो पहला स्टेप क्या होता है एसडीसी मॉडल में, तो ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आप स्टेप्स देख लेना। आप 18 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन, तो फिजिकल डिजाइन का यहाँ पे इनमें से कौन सा स्टेप है। तो 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डेटा डिजाइन भी होता है, प्रोसेस डिजाइन होता है, और यूजर इंटरफेस डिजाइन भी होता है। तो तीनों प्रकार के डिजाइनिंग यहाँ पे होती है। 19 पे चलते हैं, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की रूट क्या होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये होता है आपका सिमुला, ठीक है। तो सिमुला ही इनकी जो है क्लास रूट है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो जैसे आपकी C++ जावा हो गई, आपकी PHP हो गई, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर आपको पूछा जाए कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो कोई भी अभी तक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। याद रखना C जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। तो इनमें से C++ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये आपका CIN, ठीक है। सिन जो है आपका C++ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन से टाइप है डेटा स्ट्रक्चर के, तो लीनियर नॉन लीनियर बोथ। 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। 22 पे चलते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये आपका स्टैक, ठीक है। स्टैक भी एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है, तो इससे जो है कन्वर्ट इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स अगर आपको कन्वर्ट करना है नोटेशन को, तो स्टैक आप यूज़ करेंगे। अब चलते हैं 23 पे, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। तो कंप्यूटर जो है आपका एक लैटिन वर्ड है, तो यहाँ से ये डिराइव हुआ है। 24 पे चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या रहता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। और 25 पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती थी, तो देखिए वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई थी, ठीक है, याद रखना वैक्यूम ट्यूब जो है सबसे पहले आई थी। 26 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इनमें से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो 26 का जो है राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर को हम बोलते हैं, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की बात की गई है, यहाँ पे कोई भी पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप होता है ना, वो होता है हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे हम इसके कहीं भी ले जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग। देखिए वेदर फोरकास्टिंग में आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। तो CPU का पार्ट नहीं है इनमें से कौन सा ऐसी चीज है, तो प्रोग्राम यूनिट जो है CPU का पार्ट नहीं होता है, तो आपका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। तो माइक्रो प्रोसेसर किन किन चीज़ों में यूज होते हैं, किन किन चीज़ों के लिए यूज होते हैं, तो ये होते हैं आपके कंप्यूटर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स के लिए भी, और आपके डिजिटल सिस्टम के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 29, ठीक है। अब 30 पे चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो आपने आउटपुट यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, लेकिन आपने आउटपुट यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो नहीं है वो बताना है। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर जो है देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड माउस और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस में आता है। अब 31 पे चलते हैं, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। तो स्पीड ऑफ रैम जो है हम मेजर करते हैं बस विथ और बस स्पीड से, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 31 का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच इज आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। विच इज़ आर द कंप्यूटर मेमरी दैट डज नॉट, तो कौन सी ऐसी कंप्यूटर मेमरी है जो भूलती नहीं है। तो 32 का राइट आंसर होगा आपका रोम। रोम का मतलब होता है रैंडम रीड ओनली मेमरी, ओके। तो रीड ओनली मेमरी जो है ये कभी भूलती नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी स्टोरेज इज स्लो। तो कौन सी यहाँ पे मेमरी जो है स्लो रहती है, वो आपकी है डी ऑप्शन, ऑप्टिकल
डिस्क, ठीक है, रैम, कैशे मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क, ये काफ़ी फास्ट होती हैं। अब 34 पे चलते हैं, अ करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड इन EDC, इस तरह से जो है करेक्टर अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका जो है राइट ऑप्शन 8 बिट्स का होगा, ठीक है, तो 8 बिट्स का ये इसका आंसर है। अब 35 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, बेस ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर सकते, या फिर कोई भी जो है आप ब्राउजर भी नहीं यूज़ कर सकते, आप सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसे हम बोलते हैं कोडिंग भैया, ठीक है, कोडिंग बोलते हैं हम जब हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, तो उसे हम कोडिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन, तो कोबोल जो है कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है, तो ये है आपका कमर्शियल में, ठीक है, कमर्शियल जो है इसमें यूज़ की जाती है कोबोल। खैर ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है तो अभी तो इसका यूज़ इतना नहीं होता, लेकिन जो है आपका USA हो गया या फॉरेन कंट्रीज़ हैं, US में तो मेरे को मालूम है कि कोबोल का अभी भी यूज़ होता है, काफ़ी जो है एज्ड पीपल यहाँ पे काम करते हैं इसमें। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मैंने आपको पहले बताया कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर की में क्या दिया गया है, जावा, ठीक है, 38 का ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जावा दिया गया है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। 39 की बात करते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो आपका कंपाइलर ये काम करता है, 39 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं लिनक्स पे, लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये है भाई आपका डी ऑप्शन, ओपन सोर्स है, कहीं भी कैसे भी कहाँ भी बैठ के आप डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स को, ठीक है, ऑनलाइन आप गूगल क्रोम खोलिए, लिनक्स लिखिए, आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसे डाउनलोड करके चला सकते हैं इजीली, तो ये ओपन सोर्स हो गया, ठीक है। 41 पे चलते हैं, इन MS विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, तो MS विंडोज अगर आप यूज़ करते हैं तो डेट एंड टाइम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, टास्क बार में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का। 42 पे चलते हैं, विच कीवर्ड इज इन MS वर्ड इज़ यूज टू अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो कौन सा कीवर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज़ होता है, जो आपका अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है सेलेक्ट किया है उसको राइट या लेफ्ट मार्जिन में कन्वर्ट करना है आपको, तो 42 का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, दैट इज़ कंट्रोल जे, ओके, तो राइट एंड लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल जे आपको दबाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड, तो फॉन्ट स्पेसिंग इनमें से कौन सी नहीं है ऑप्शन, तो लूजली कोई नहीं है, नॉर्मल होता है, कंडेंस होता है, एक्सपेंडेड होता है, लेकिन लूजली नाम का जो है फॉन्ट स्पेसिंग के लिए ऑप्शन नहीं होता। 44 पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS Excel, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल इन द टूल बार ऑफ द MS Excel, तो MS Excel के टूल बार में जो है कितने टाइप के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है, और 44 का इसका राइट आंसर जो होगा नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 पे, विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी, तो कौन से मेन्यू में MS Excel के फंक्शन लाइब्रेरी होती है, तो ये है आपका इंसर्ट में, इंसर्ट फंक्शन में, जो इंसर्ट मेन्यू में आपके फंक्शन लाइब्रेरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट जो है जो कि रिप्रेजेंट करता है वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, तो 46 का राइट आंसर जो होगा ये आपका होगा पाई चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे कर्व्स का कोई मतलब नहीं है इनके साथ, इंसर्ट बुलेट आपने देखा होगा, फॉन्ट टाइप देखा होगा अगर आप यूज़ करते हैं पावर पॉइंट को। अब 48 पे चलते हैं, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ, तो रिव्यू क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, 48 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजिली मॉडिफिएबल, ठीक है, DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
तो कौन सी चीज़ जो है इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो स्कीमा को जो है हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब 50 पे चलते हैं, इन ए हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो हायरार्किकल मॉडल की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड जो है कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो 50 का इसका राइट आंसर जो होगा अ ट्री की फॉर्म में। अब ट्री की फॉर्म कैसे होती है, देखिए ऐसे कुछ इस तरह से ट्री की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, तो हायरार्किकल फॉर्म इसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, अ कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस, तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 54 पे चलते हैं, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर डेटा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज की जाती थी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो 52 का करेक्ट आंसर होगा आपका मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मैग्नेटिक कोर जो थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की जाती थी। अब 53 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर, तो ऐसा कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हों और अच्छी प्रोसेसिंग पावर हो, तो भाई ऑब्वियसली 53 का ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे, वर्क स्टेशन, ठीक है, सिंगल यूजर की बात की गई है इसलिए वर्क स्टेशन होगा। अगर ऐसे बात करते हैं अगर आप गुड प्रोसेसिंग पावर की, तो सुपर कंप्यूटर से ऊपर कोई भी नहीं है, तो वर्क स्टेशन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 पे, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच, तो डिजिटल वॉच में जो है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज वॉच, तो 54 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। 55 पे चलते हैं, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, तो कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो 55 का राइट आंसर है आपका सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलते हैं 56 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर, तो 56 का राइट आंसर जो होगा आपका डेटा रजिस्टर होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर को जाने से पहले जानकारी को रखता है, तो डिकोडर की जानकारी जो है आपका डेटा रजिस्टर रखता है। तो 57 पे चलते हैं, हाउ मेनी यूनिट्स इन ए सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट ए टाइम, तो सिंगल बस स्ट्रक्चर में कितनी यूनिट जो है कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो 57 का राइट आंसर है आपका टू, ओनली टू, ठीक है, टू इसका राइट आंसर है। 58 पे चलते हैं, अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइंस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, तो 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कितने स्थानों से पत्ता विघ्नम एड्रेसिंग में सक्षम है, ठीक है, तो अगर 12 एड्रेस लाइंस की बात करें तो 58 का आंसर होगा इसका 4096 लोकेशन, याद रखना 12 एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग 4096 लोकेशन। 59 पे चलते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिराइव अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड, तो सॉफ्टवेयर यूज टू डिराइव माइक्रो बेस्ड सिस्टम्स, तो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है माइक्रो बेस्ड सिस्टम के लिए, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लिए, तो वो है 59 का आपका करेक्ट आंसर है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के लिए जो है सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है। अब 60 पे चलते हैं, द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, तो कम्युनिकेट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है कौन सी डिवाइस यूज होती है, ऑब्वियसली जो है आपका इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब चलते हैं 61 पे, माउस इज नोन एज, तो माउस को हम क्या बोलते हैं, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। 62, विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनटू इनपुट डिवाइस, तो विच इज कंसिडर एज अ डायरेक्ट एंट्री, तो डायरेक्ट एंट्री जो है इनपुट डिवाइस के लिए किसे कंसीडर कर सकते हैं, तो 62 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन के लिए। 63 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर, तो स्कैनर से रिलेटेड इनमें से कौन सी टर्म है, तो आप ये देखेंगे 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये स्कैनर से रिलेटेड है, लेजर स्कैनर, तो कार्ट्रिज मीडिया ये इनसे नहीं, कार्ट्रिज आपने प्रिंट में देखी है, तो मीडिया भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो लेज़र यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 पे, बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग, तो बार कोड जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है कैसे स्टोर करते हैं, तो 64 का इसका आंसर होगा आपका थिक एंड थिन लाइंस, ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप शॉप पे गए हैं जो मॉल होते हैं वहाँ पे बार कोड रीडर जो है होता है उनके पास,
तो वो क्या करता है, थिक और थिन लाइंस होती हैं ऐसे करके, डायरेक्ट लाइंस होती हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसे रीड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, देसी व्हील, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, तो ये जो है ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डेसी व्हील जो है ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। अब 66 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर, तो बिल्ट इन मेमोरी कौन सी रहती है इसमें, तो 66 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है इन बिल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ऑक्सिलरी मेमोरी को एक और नाम दिया गया है, तो वो क्या बोलते हैं उसे, तो सेकेंडरी मेमोरी भी इसे बोला जाता है। 68 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क, तो इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल क्या है, तो 68 जो है इसका राइट आंसर है डीवीडी, ठीक है। डीवीडी इज कॉल्ड अ ऑप्टिकल डिस्क। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, तो प्राइमरी पर्पस क्या रहता है हमारे सॉफ्टवेयर का, डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 70 पे चलते हैं। अ मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड, तो 70 का राइट आंसर है आपका लॉजिकल एरर, ऑप्शन नंबर ए, द मिस्टेक इन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में जो मिस्टेक की जाती है और उसकी वजह से जो इनकरेक्ट रिजल्ट आते हैं, तो उसका मतलब होता है वो लॉजिकल एरर है। अब 71 पे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकॉम्प्लिश, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि डिजाइन किए जाते हैं किसको अकॉम्प्लिश करने के लिए, तो देखिए 71 का इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर रियल वर्ल्ड टास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रियल वर्ल्ड टास्क को जो है अकॉम्प्लिश करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। अब 72 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नॉट पूछा गया है, तो पेपर में भी इसका ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अपना अडोब रीडर भी जो अडोब एक्रोबेट है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो टर्बो सी कंपाइलर है ये C++ कोडिंग में काम आता है, तो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज, तो मशीन लैंग्वेज को एक और नाम दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, दोनों नाम दिए गए हैं मशीन लैंग्वेज को, ठीक है, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। 74 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लैंग्वेज प्रोसेसर, तो लैंग्वेज प्रोसेसर कौन सा है इनमें से, तो 74 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। 75 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है, तो याद रखना नॉट लिखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो 75 का इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है, सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब चलते हैं 70 पे। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन, तो बूट करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर के पास मस्ट क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए उसके पास, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम। 76 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। 77 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड, तो एक्सटर्नल डॉस कमांड जो है इनमें से कौन सी है, तो 77 का इसका राइट आंसर जो है आपका फॉर्मेट, ठीक है, ये एक डॉस कमांड है। नेक्स्ट चलते हैं। इन एम एस विंडोज हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, तो कौन से बटन पे जो है हेल्प मेन्यू होता है एम एस विंडोज में, तो देखिए 78 का करेक्शन आंसर है जो आपका स्टार्ट पे, स्टार्ट पे ही आपको हेल्प मेन्यू जो है बटन देखने को मिल जाता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यूज करते हैं। 79 देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन ए कंप्यूटर इज, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स, तो इंटरलेटेड फाइल जो कंप्यूटर में होती है उसे नाम दिया जाता है रिकॉर्ड्स का, सॉरी डेटाबेस का, सॉरी, ओके, तो डेटाबेस का नाम दिया जाता है इंटरलेटेड फाइल्स को। अब 80 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इन एम एस विंडोज इज यूज फॉर पेस्ट, तो पेस्ट के लिए भाई आपका यूज होता है, 80 का राइट ऑप्शन है आपका ए, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शॉर्ट की यहाँ पे बात की है, एक होता है आपका कंट्रोल, कंट्रोल प्लस वी भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल वी और शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अब चलते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डेयर टू डेयर। अब एम एस वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर आपको वर्ड डेयर में डेयर जो है कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा यहाँ पे की यूज करेंगे, कौन सी चीज यहाँ पे यूज करेंगे। 81 का इसका करेक्ट ऑप्शन है आप फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के जरिए आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड इज परफॉर्म्ड ऑन। तो जो फॉर्मेटिंग की जाती है एम एस वर्ड में वो किस पे की जाती है, तो 82 का इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, टेक्स्ट और टेबल दोनों में। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो की जा सकती है एम एस वर्ड में टेक्स्ट में भी और टेबल में भी। 83 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एम एस वर्ड। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन स्पेसिंग है जो कि इनवैलिड है एम एस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा जो है सी, ट्रिपल। ठीक है, ऐसी नाम की कोई जो है स्पेसिंग नहीं है, इनवैलिड है, बाकी सिंगल डबल और मल्टीपल होती है। 84 पे चलते हैं, फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इन टू रोज। तो ऐसा फॉर्म जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रोज की एंड कॉलम्स की फॉर्म में एम एस एक्सेल में, तो उसे क्या बोलते हैं। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, स्प्रेडशीट्स। ठीक है, स्प्रेडशीट्स भी इसका एक और नाम है एम एस एक्सेल का, याद रखना, तो यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। 85 पे चलते हैं, विच एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एम एस एक्सेल। तो विच एलिमेंट ऑफ ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। तो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो कौन सा एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वर्कशीट में। 85 का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, कॉन्टेंट्स भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी और सीनारियोज भी, तीनों टाइप के। इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन इन एम एस एक्सेल। तो ऑटोसम जो बटन है एम एस एक्सेल में कौन से टैब में आपको देखने को मिलेगा, तो 86 का ऑप्शन है फॉर्मूलास टैब में। ठीक है, तो ऑटोसम जो है बटन जो है एम एस एक्सेल के फॉर्मूलास टैब में आपको देखने को मिलता है। अब 87 पे चलते हैं, बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। तो कौन सी कमांड के जरिए जो है आप अटैच कर सकते हैं एक और पैकेज फाइल एम एस एक्सेल में। तो 87 का इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक के जरिए जो है आप अटैच कर सकते हैं। 88 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल एक्सेल में इनमें से कौन सा है, तो 88 का करेक्ट ऑप्शन है 88 का होगा करंट सेल। ठीक है, एक्टिव सेल बोला जाता है करंट सेल को। अब चलते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू कैन एंटर डेटा। तो बेसिक यूनिट है वर्कशीट की जिसमें आप डेटा को एंटर कर सकते हैं एम एस एक्सेल में, तो वो क्या होती है। तो 89 का इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सेल। ठीक है, एक जो आपका बॉक्स आपका होता है एम एस एक्सेल में उसे हम सेल बोलते हैं। 90 पे चलते हैं, अ कॉन्स्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल। तो अ कॉन्स्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा का एक नाम रखा जाता है कॉन्स्टेंट, तो अनदर नेम क्या है इसका, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो इसका हम नंबर भी बोलते हैं कॉन्स्टेंट का। 91 पे चलते हैं, इन एक्सेल विच इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो एक्सेल में जो है एक प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है जो कि शॉर्टकट प्रोवाइड करवाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। तो 91 का ऑप्शन जो है आपका फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फंक्शन यूज किया जाता है प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला में। तो आगे चलते हैं, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। तो स्लाइड एक किसका फीचर है, तो स्लाइड जो है दोस्तों एम एस पावर पॉइंट का फीचर है। 92 का जो है डी ऑप्शन राइट है। विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक अ स्लाइड शो। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है स्लाइड शो के लिए यूज किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन जो है आपकी स्लाइड शो के लिए यूज होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है, विच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। 94 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Alt+4। कोई भी टैब है अगर आपके कंप्यूटर में खुला हुआ तो आप Alt+4 दबाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको इजीली लर्न रहेगा। तो कोई भी टैब अगर आपके, अगर आपने ब्राउजर भी यूज़ करते हैं तो Alt+4 दबाएंगे तो आपका ये बंद हो जाएगा। तो 95 पे चलते हैं, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो विच की ऑन द कीबोर्ड,
इज़ यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो ऐसी की होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में जिसे हम डायरेक्टली दबा के जो है स्लाइड शो मोड में ला सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। तो 95 का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी F5 जो है हम दबाते हैं। 96 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन ए डेटाबेस। तो डेटाबेस में अगर हमें और ज़्यादा टेबल्स ऐड करने हैं तो कौन सा मेथड हमें करना पड़ता है यूज़। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मींस आपके डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और टेबल विजार्ड, तो तीनों के तीनों फॉर्म यहाँ पे यूज़ होते हैं। 97 पे चलते हैं, द फीचर दैट डेटाबेस अलाउज टू असेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज द फीचर दैट डेटाबेस अलाउज टू असेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस। तो ऐसा फीचर होता है जो कि डेटाबेस में अलाउ करता है ओनली सर्टेन फीचर के लिए, कुछ सर्टेन फीचर के लिए अलाउ असेस करने के लिए, तो वो क्या है। 97 का अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन है आपका क्वेरी। क्वेरी यूज़ करते हैं हम डेटाबेस में, अगर उसमें कोई भी अल्ट्रेशन करनी है तो हम क्वेरीज के जरिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डेटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डेटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो है डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, कौन सा मॉडल स्टोर है यहाँ पे। तो 98 का ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। 99 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र, तो इनमें से जो है कौन सा डेटाबेस लेवल जो है यूज़र के क्लोजेस्ट है। तो 99 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर एक्सटर्नल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र इज एक्सटर्नल। 100 पे चलते हैं, द सेपरेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन DBMS इज नॉन एज। तो सेपरेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डेटा डेफिनेशन की सेपरेशन जो है प्रोग्राम से, उसे क्या बोला जाता है। तो 100 का करेक्ट ऑप्शन है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस। और 101 पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज, इसके हम SQL प्रोनाउंस करते हैं, SQL नहीं बोलते, ठीक है। SQL लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस। तो विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज यूज़ होती है यहाँ पे, अगर हमने सिक्योरिटी लानी है डेटाबेस में तो कौन सी जो है यूज़ होगी। तो 101 का DCL इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज। तो अ रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज, 102 का करेक्ट ऑप्शन इज आपका टप्पल, टप्पल की फॉर्म में, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस में डेवलपर जो है एक रिकॉर्ड को टप्पल की फॉर्म में रखता है, तो याद रखना। चलिए 103 डिस्कस कर लेते हैं, द मैथड ऑफ असेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज। द मैथड ऑफ असेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे 103 का राइट आंसर जो है आपका हैश है, ठीक है, हैश। 104, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MSSS। तो कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं आपके MSSS में, तो ये होते हैं 104 का करेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। तीन प्रकार के रिलेशनशिप टाइप होते हैं MSSS में, MSSS भी एक MS ऑफिस का पार्ट है। वट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डेटाबेस इन ऑफिस असेस। तो ऑफिस असेस में अगर डेटाबेस सेव किया है उसकी एक्सटेंशन फाइल बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो ये होती है .accdb, याद रखना .accdb। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट असेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट असेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कौन सा जो है एक टाइप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट असेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का। तो 106 का राइट आंसर है जो है आपका सी, ठीक है, वर्कशीट। वर्कशीट हमें पता है एक्सेल में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MSSS। तो इनमें से जो है टेबल स्ट्रक्चर का कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है, MSSS की बात की जा रही है यहाँ पे। 107 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MSSS। तो वैलिड डेटा टाइप यहाँ पे MSSS में कौन सा नहीं है। 108 का राइट ऑप्शन है आपका सी, पिक्चर। पिक्चर जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मेमो, करेंसी और ऑटो नंबर यहाँ पे यूज होता है। इन MSSS हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर। तो MSSS की बात करें तो हाइपरलिंक डेटाबेस जो है स्टोर कर सकता है, क्या क्या स्टोर कर सकता है। तो 108 का ऑल ऑफ दिस, ईमेल एड्रेस भी स्टोर कर सकता है, वेब एड्रेस भी रख सकता है, पाथ ऑफ ए फाइल भी रख सकता है।
110 पे चलते हैं, विच इज द शॉर्टकट की टू इनवॉक द स्पेल चेकर इन MS-SS। तो इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है टू इनवॉक द स्पेल चेकर, तो 110 का राइट ऑप्शन जो है बी होगा F7। तो स्पेल चेकर के लिए आप F7 दबाएंगे। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म अ, अब दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में अगर कनेक्टेड हो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसे हम ऑब्वियसली बोलेंगे नेटवर्क।